बहुत हुआ होम डेकोर के महंगे महंगे आइटम्स में पैसे खर्च करने का, अब दौर है डीआईवाईज का। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। आपने मेरे लास्ट स्टोन आर्ट के वीडियो को देखा, जिसमें आपने मेरी क्रिएटिविटी को बहुत एप्रिसिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डीआईवाई वीडियो जो बनाने में बहुत ही इजी और सस्ता, मगर वो आपकी वॉल को देगा एक नया रिच लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वॉल पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस टाइप की मोटी डोरी, जो किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे इजली मिल जाती है, मेजरिंग टेप या स्केल, सीजर, स्केच पेन या पेंसिल, थर्माकोल कटर, फेविकॉल, किसी भी कलर का थ्रेड। यहां मैंने एक थर्माकोल लिया है। थर्माकोल मैंने 1.5 इंची थिकनेस का लिया है, जिससे ये कैनवास का लुक दे। पूरे थर्माकोल पर 3 इक्वल पार्ट्स में निशान लगा के मैंने लाइन खींच ली है, जिससे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकें। अब हमें थर्माकोल पर इस प्रकार से एक डिजाइन ड्रॉ करनी है। डिजाइन ड्रॉ करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि डिजाइन के सर्कल या एजेस हमारी पार्टीशन वाली लाइन के बीच में ना आए। अब हम थर्माकोल को 3 पार्ट में कट कर लेंगे। अब हमने जो डिजाइन ड्रॉ की है, उस पर इस प्रकार से डोरी कट करके रखेंगे। डोरी के एजेस ना खुले, इसलिए हम एजेस पर धागा लपेट लेंगे। डोरी आसानी से पेस्ट हो जाती है। सभी डोरी लगाने के बाद फेविकॉल से पेस्ट करके अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम किसी भी मोटे चार्ट पेपर पर या शादी के पुराने कार्ड्स पर इस टाइप से किसी भी गोल चीज से फ्लावर के लिए कुछ छोटे बड़े सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और कुछ छोटी बड़ी लीव्स भी ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल से हम फ्लावर बनाएंगे, इसके लिए हम सर्कल के अंदर इस टाइप से स्पाइरल डिजाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। इस बार किसी भी पेंसिल या ब्रश की हेल्प से घुमाते हुए रोज का लुक देना है। लीव्स भी कट कर लेंगे। लीव्स के नीचे की तरफ हल्का कट लगा के फेविकॉल से पेस्ट करेंगे। यहाँ मैंने फेविकॉल लिया है, जिसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी और फेविकॉल का रेशियो हमें 50-50 का रखना है। अब मैंने कुछ टिश्यू पेपर को कट किया है, इसकी जगह आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल और पानी को किसी ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स करके हम इस पेस्ट को थर्माकोल पर लगाते जाएंगे और उस पर टिश्यू पेपर रखते जाएंगे। इस टाइप से हम पूरे थर्माकोल को एवं डोरियों को भी टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे। फ्लावर्स एंड लीव्स को भी अलग से इसी तरह से टिश्यू से कवर करेंगे। यहाँ मैंने ब्लैक इनेमल पेंट लिया है, ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ब्लैक कलर से हम सभी फ्लावर्स, लीव्स और पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे और इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ सिंपल डोरी का यूज कर रही हूँ। सेंटर में इस तरह से डोरी रख के उसके ऊपर से फेविकॉल लगा के कोई भी पेपर उस पर पेस्ट कर दिया है।
यहाँ मैंने थर्माकोल और कार्डशीट का यूज़ किया है क्योंकि हमारी पेंटिंग बहुत ही लाइट वेट है। सो इस टाइप के सिंपल मेथड से भी हमारी पेंटिंग आसानी से हैंग हो जाती है। आप हैंग करने के लिए डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके फ्लावर और लीव्स को कलर करने के लिए गोल्डन और सिल्वर स्प्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रे कलर किसी भी हार्डवेयर या स्टेशनरी शॉप पर 150 से 200 की रेंज में इजली मिल जाते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बट वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। अच्छे से शेक करके मैंने सभी फ्लावर्स को गोल्डन कलर से स्प्रे किया है और सभी लीव्स को मैं सिल्वर कलर से स्प्रे करूंगी। स्प्रे कलर हमेशा बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल लुक देते हैं। ये स्प्रे कलर्स इंस्टेंटली ड्राई भी हो जाते हैं। डोरियों को कलर करने के लिए मैंने यहाँ कॉपर मेटेलिक कलर का यूज किया है। आप चाहें तो फ्लावर और लीव्स को कलर करने के लिए भी गोल्डन और सिल्वर मेटेलिक कलर का यूज कर सकते हैं। ये कलर्स ओनली 20 रुपीज की रेंज में इजली मिल जाते हैं। अब लास्ट में मैं सभी फ्लावर्स और लीव्स को फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी। सिंपल। कैसा लगा मेरा ये DIY वीडियो? मेरा दावा है कि मेरा ये DIY वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद है हर बार की तरह आपको पसंद आया हो, और अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।